Yes. I mean, you've started long back, but I think Rock On has been defining, I think, movie somewhere for you. Yeah, I think it brought me back to a whole new audience all over again. Although my first film that I ever did was something called Bombay Boys, which was way back in 1998 with Kaizad Gustad. That was during my VJing days with Channel V. But Rock On kind of brought me back to a whole new generation, a whole new audience. So that was really interesting. Well, I guess each and every opportunity presents itself in its own way, and then you have to deal with it in its own time. तो trying to make time for each and everything अपने आप समय बन जाता है अगर आप passionate enough हो तो. So between Rock On and Banjo, which was my most recent release, I got into four में एक छोटी सी फिल्म आई थी 13th Floor, जो मैंने produce co producer co direct की with Pooraj Kohli and Sandhya Amrithul. Then in 2013 मैंने एक और फिल्म को प्रोड्यूसर को डायरेक्ट की, which was Rise of the Zombie, जो इंडिया की पहली जॉम्बी ओरिजिन फिल्म थी. इट केम आउट बिफोर गो गोवा गॉन. सो आई बीन ट्राइंग टू कीप मायसेल्फ बिजी विथ डेवलपिंग माई ओन प्रोजेक्ट्स एज वेल ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, एंड एट द सेम टाइम वर्किंग एज एन एक्टर इन वट एवर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स टू मी. तो फिल्में आती हैं या फिर प्ले आता है, और ऑफकोर्स म्यूजिक तो मेरा बैकबोन रह ही चुका है, तो कॉन्सर्ट्स और परफॉर्मेंसेस तो चलती रहती है. सो यस, आई गेस एज एंड वेन ईच अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इट सेल्फ, आई गेस उसको करने का अपने अपना एक समय निकल ही जाता करी मैनेज आप कैसे यू कैन मैनेज हाउ डू यू हाउ व्हाट इज एक्सपीरियंस यू नो विद दीस पीपल ऑन दैट. वेल, आई कांट रियली चेंज द वे आई लुक, बट एटलीस्ट थ्रू थ्रू लैंग्वेज एंड थ्रू कम्युनिकेशन विद पीपल लाइक यू, I can explain the fact that yes, maybe I don't look Indian, but at the end of the day मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, तो मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूँ जितने आप सब हैं, और मौक़े भी उसी तरह की मैं उसी तरह की मौक़ों के मैं खोज में हूँ. तो यस, सो यस, एक्सप्लेनिंग द एक्सप्लेनेशन देन कम्स थ्रू, बिकॉज देन आई हैव टू एक्सप्लेन दैट माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज आयरिश एंड माई मदर साइड वॉज इटालियन एंड माई ग्रैंड मदर साइड वॉज ब्रिटिश. तो हालांकि हेरिटेज तो इंटरनेशनल रही है, लेकिन ऑफ कोर्स बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड इन बॉम्बे पर्टिकुलरली, तो हिंदुस्तानी तो हूँ ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं बम्बैया हूँ. तो बस ये तो यस, इट बिकम्स सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक के यार तुम ऐसे दिखते हो तो तुम इस तरह की रोल्स नहीं कर पाओगे, तुम इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे. हाँ यस, तो थोड़ी तो मराठी भी, बिकॉज महाराष्ट्र में रह के मेरे काफ़ी महाराष्ट्र फ्रेंड्स हैं, रह चुके हैं, और आए दिन लोगों से मिलते रहता हूँ जो जिनके साथ मैं मराठी में बात करता हूँ. तो यस, तो एक और भाषा भी है मेरे अंदर जो जिसका एक्सप्लोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा. Yeah, of course. In fact, every time I walk down any of the touristy areas, my college was in Colaba, I'm Elphinstone College. So after college or during college, whatever, we would generally go out and hang out at Colaba, and of course I still do. तो जब भी मैं कोलाबा कॉजवे से गुजरता हूँ, एटलीस्ट चार पांच लोग तो मेरे पास आते ही हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए, चाहे वो वो ही क्यों ना हो. सो जनरली देन सो दे थिंक दे कैन ट्राई एंड सेल एनी थिंग टू मी. तो मैं हिंदी में फिर सिर्फ दो शब्द बोलता हूँ उनको, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वो दो शब्द हैं, चल भाग. सो ये kind of yes, I mean a lot more people kind of recognize me, and they've seen the films on television, on digital media, or even on screen as well also, and they all kind of like appreciative of the efforts that I've made and the contribution that I've made as well also, and the good part is that even in those films,
there's been given no backstory given or no justification of given that of the way I look. So it's just taken at face value of the character that, you know, ये तो इंडियन ही है, you know, इसकी कोई पीछे की कहानी नहीं है. तो रॉक ऑन में, you know, रॉक का जो character था वो रॉबी था वो, you know, कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वो ऐसा क्यों दिखता है और वो इनके साथ कैसे, you know, वगैरह वगैरह. Similarly with Banjo as well also, you know, the role of Mikey. Who was there? He's just there on the streets of Bombay, you know, sound recording ले रहा है वगैरह और वो इस band को सुनता है, banjo band party को सुनता है और फिर, you know, उनको ढूंढने निकल जाता है. तो the good part is that जो काम मुझे मिला है उसकी कोई justification नहीं रही है because of the way I look. It's just been established that ये है बंदा और लोगों ने accept किया है, तो वो अच्छी बात है. And of course, because of my my performances through my concerts and my music, of course, you know, I'm reaching out to also the young audience and all kinds of audiences. So yes, एक acceptance है, एक कुछ हद तक एक exposure भी है, but over exposure नहीं है thankfully. तो I guess वो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा. Nice, that's good. आप अभी दिखे थे recently even in Rock On 2, so I think it was a reunion kind of आपसे सभी को मिलने थे, the whole team of Rock On 2. Yes, yes, yes. It was a one song. In the film, you know what I mean, is the name of the song. तो एक I think कहानी में एक part था जहाँ पर you know पूरा ढूंढने निकलता है आदित्य की character को, जो फरहान की character है, और वो चलते चलते वो सोचते रहते हैं और फिर उसको ये गाना याद आता है कि हमने एक performance की थी एक wedding के लिए, और फिर that is the song in the film. तो yes, it was a kind of a reunion and काफ़ी social media पे भी काफ़ी छाया रहा वो. फरहान ने हम सब चारों की फिल्म फोटो ट्वीट की और इंस्टाग्राम पे भी डाला, तो बहुत अच्छा लगा. ऑफ कोर्स इट्स गुड फन टू मीट द गाइस ऑलवेज, बट देन एवरीबॉडी इज नाउ सो बिजी, तो इतनी मुलाकातें भी नहीं हो पाती हैं, बट आई गेस जब होती है तो अच्छी होती है. Yes, so, we had a lot of scenes together, yes. Yeah. So how did you really explain Nargis, the entire, I mean, I don't know if she, unko Marathi aati hai, unko Hindi? Marathi, nahin, unko zara bhi nahin aati hai. Achha. In fact, Ravi sir, jo film ke director hai, Ravi Jadhav, humare jo bhi scenes the, to Ravi would explain, Ravi sahab would explain the scenes to her, the emotion and everything, all that stuff. And although Nargis had a dialogue coach as well also, so that she could learn the words phonetically. But फिर भी at the time of the scene तो nobody can be there, so it's just me and her. हाँ, तो 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 रवि साहब वुड से माइकी, यू वुड कॉल मी माइकी, तू संभाल लेना यार उसको. तो सीन करने के पहले मैं और नरगिस रिहर्स करते थे उसको, उसको मैं एक हर एक शब्द का एक न्यूएंस समझाता था, एंड देन फिर वो यू नो किसी तरह से वो लाइन याद करके वो बोल देती थी वो. जी जी जी. Well, Ritesh was surprised to know that you know I can be as Marathi as I want to be as well also. So yes, I mean there were times when you know it was quite a Marathi crew as well also. So you know everybody would talk and everybody would have conversations. We'd all have you know lunches and dinners together during the breaks in the shooting. So it was always good fun. So you know Ritesh is a cool guy. He's a absolutely chilled out guy, and he you know sticks to his job. And he comes and does the best that he always does, and it was great working with him as well. Super. So I mean, we really you know look forward that your future projects, you come and do a lot of Marathi roles. So any chances of doing a Marathi film, is that pipeline? Well, in fact, there was talk because when Ravi sir also got to know that you know I can speak Marathi well and things like that, so he says, "Main plan kar raha hu ek Marathi picture plan kar raha hu." I said, "Sir, your forte is Marathi films." And he's made lots of legendary films, as we know, Natrang and Bal Gandharv and stuff like that. So I told him, sir, apan kadhi Marathi chitrapat karta hai, to mala kai tari ek chance diya. So he was like, yes, yes, of course. So in fact, I think he's planning a big film on Shivaji Maharaj. So you never know. Send me a ticket and I'm there. Just send me a ticket. Look, if good old Rajnikant saab, who is Shivaji Rao Gaikwad, yeah, can make it, then हम तो बस 1% है उसके, 0.01% है, तो कुछ ना कहीं तो
रोशनी है कुछ. अभी क्या क्या सुनाऊं मैं. ओके, चलो मैं तुमको रॉक ऑन टू का ही गाना सुना लेता हूँ जो जिसमें मैं हूँ, जो फरहान ने गाया है ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी और फरहान की आवाज़ भी मिलती जुलती है, तो थोड़ा बहुत फॉमिलियरिटी भी होगा आपको आपको. सुन लो मेरा कहना, यूं ही मिलते रहना, कल जहां मिले थे कल वहीं मिलेंगे. छोड़ो तुम ये बातें, क्यों ये पूछती हो. मैं वर्ड्स भूल गया हूँ, लेकिन जो भी तुम कहो, जो भी हम कहें, कहना वो कल जो मैं कहें तो ये सब ताहूँ. यू नो व्हाट आई मीन. लेट्स डू अनदर वन. या ठीक है. अदर फॉर द सॉन्ग वर्ड्स. इज या पॉसिबल और कोई विच अदर सॉन्ग टू सिंग. कट करना जरा. आई डू वन क्लासिक सॉन्ग. चलो जिंदगी कैसी है पर एटलीस्ट दैट्स अ रिकॉग्नाइजेबल. या श्योर इफ यू वांट इफ दैट विल गो आउट. नहीं ना तो रहने दो ना, तो रहने दो. ओके, एक बहुत ही क्लासिक सॉन्ग है, अपने ज़माने की बहुत हिट रही है, मन्ना डे साहब की आवाज़ में. ऑफकोर्स मैं तो जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए. ठीक है. रॉक ऑन में एक बहुत छोटी सी लाइन है जहाँ पर मैं अर्जुन के कैरेक्टर को बोलता हूँ, व्हेन आई एम ट्राइंग टू रियूनाइट द बैंड. तो इट्स अ वेरी शॉर्ट लाइन. द लाइन इज एंड विच इज इट्स अ लाइन दैट आई रियली बिलीव इन एज वेल ऑल्सो. द लाइन इज, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती, जो अगर उसे आना होगा तो वो आएगा. Which one is it? मेरा favorite है वो थाने का, but whichever you all. हाँ, that is also my favorite. It's also again is what I am. So, चलो, एक बेंजो वाली डायलॉग. ठाणे ब्रो, तेरे और मेरे बीच का फर्क सिर्फ कपड़े और रंग. That was Luke Kelly. Thank you Thank so you. much.